गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरुण आप सभी का आजमगढ़ जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वेन डायग्राम भाग दो। आप लोगों ने भाग एक देखा होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो विषय वस्तु के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। आज केवल क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन होगा हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपसे। कहा जाए, अगर कह दिया जाए कि क्रिकेट खिलाड़ी तथा विवाहित, यानी दिया गया है क्रिकेट खिलाड़ी तथा विवाहित का क्रिकेट खिलाड़ी तथा विवाहित का वेन आरेख क्या होगा? आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी तथा विवाहित का वेन आरेख बनाइए। ये क्वेश्चन बार बार ऐसे ही पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन भी है, आप लोग बनाने की कोशिश करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सभी लोग बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा सा नीचे बनाता है, ए है, स्वयं से बनाने की कोशिश करिएगा। बी है आप लोगों का, सी ऑप्शन दिया गया है, और डी ऑप्शन आप लोगों के लिए है, अब छांट के तुरंत आंसर देखिएगा कौन सा सही होगा। क्रिकेट खिलाड़ी तथा विवाहित के लिए कौन सा वेन आरेख बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होगा? क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी जो खिलाड़ी हैं वो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, इन तीनों में वेन डायग्राम बनाना है। बन गया होगा? हाँ बिल्कुल ही, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, जो कि आप सभी लोगों का आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम बैठाएं, देखेंगे बीच में अगर हम कर देते हैं क्रिकेट खिलाड़ी, क्या कर देते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, आप देखोगे कि जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं भाई, वो खिलाड़ी होते हैं, क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं सभी खिलाड़ी होते हैं, होते हैं कि नहीं, खिलाड़ी होते हैं। आगे अब यहाँ पे आ रहा है विवाहित, अब हम देख रहे हैं जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो भी, और जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो भी, यानी खिलाड़ी मतलब क्या है कि खिलाड़ी मतलब ये है कि जो भी खेल खेलने वाले, चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, कोई सा भी हो, गेम खेलने वाले व्यक्ति वो खिलाड़ी कहलाते हैं, और सभी क्रिकेट खिलाड़ी तो खिलाड़ी होते ही हैं, इसलिए यह खिलाड़ी के अंदर जाएगा। और खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी वे दोनों ही हमारे भी कुछ विवाहित होते हैं और कुछ विवाहित नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो हमारा भाग जाएगा, सेंस जाएगा, कुछ में जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उसमें से कुछ विवाहित होते हैं, और जितने भी खिलाड़ी होते हैं उसमें से कुछ विवाहित होते हैं, या फिर जितने भी विवाहित खिलाड़ी, जितने भी विवाहित व्यक्ति होते हैं उसमें से कुछ क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, जितने भी विवाहित होते हैं उसमें से कुछ खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है? दोनों प्रकार से संत बैठाएंगे, बैठ जाएगा,
हो गया, आगे चला जाए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। दिया गया है क्वेश्चन है, कुत्ते के बच्चे जानवर के बच्चे। इसका आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। एक ऑप्शन आपको और मिलने वाला है, यानी कि मैं बात करूं ई वाला ऑप्शन, ई यानी कि एक ऑप्शन और आपको मिलने वाला है ई। बनाने की कोशिश करिएगा, यानी कुत्ते के बच्चे जानवर के बच्चे, इन दोनों में तीनों में संबंध कैसा होगा इनको स्थापित करने की कोशिश करिएगा। हाँ बिल्कुल ही, जिन्होंने भी आंसर बताया है बिल्कुल ही सही है, यानी ई वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वैसे भी मैंने बात का लिखा है तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने सेंस लगा लिया होगा, सर जी जरूर इनमें से है नहीं इसीलिए ई वाला ऑप्शन दिए हैं, है ना। या फिर NOD भी मिल सकता है, इनमें से कोई नहीं, फिर तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होने वाला उनका वेन डायग्राम बनने वाला ये बनेगा। जिन्होंने भी इसको सोचा है या फिर इसको सोचा है वो गलत है आंसर। हाँ बिल्कुल ही गलत है, आप यही हमारा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे हम लिखेंगे कुत्ते के बच्चे, क्या लिखेंगे कुत्ते के बच्चे। इधर मैं लिख सकता हूँ जानवर के बच्चे। इधर मैं लिख दे रहा हूँ कुत्ते। अब हम थोड़ा सा सेंस बैठाएंगे, देखेंगे जितने भी कुत्ते हैं भाई, जितने भी कुत्ते के बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, जितने भी कुत्ते के बच्चे हैं सभी क्या हैं, कुत्ते हैं भाई। जो कुत्ता का बच्चा होगा वो कुत्ता ही नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ही, यानी कि जितने भी कुत्ते के बच्चे हैं वो हमारे कुत्ते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जानवर के बच्चे, अब जो कुत्ते के बच्चे जितने भी कुत्ते के बच्चे हैं सभी कुत्ते के बच्चे क्या होते हैं, जानवर के बच्चे होते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ कुत्ते के बच्चे जानवर नहीं, सभी कुत्ते के जितना भी कुत्ते का बच्चा है सभी कुत्ते का बच्चा क्या होता है, जानवर का बच्चा कहलाता है, क्लियर बात है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जितना भी कुत्ता होता है उसमें सब जानवर नहीं, कुछ जानवर के बच्चे होते हैं, यानी जितने भी कुत्ते होते हैं उसमें से कुछ क्या होते हैं, जानवर के बच्चे, यानी कि जानवर के बच्चों के बीच में संबंध को दर्शाता है, क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है वेरी मोस्ट, कई बार पूछा गया आप लोगों से, सूर्य तारा ग्रह का वेन डायग्राम क्या होगा। बनाने की कोशिश करिएगा सूर्य ग्रह और तारा का वेन डायग्राम क्या बनने वाला है, बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोगों का बन गया होगा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे एक भाई बड़ा वाला हमारा बनेगा, देखेंगे कि जो हमारा यानी कि बड़ा वाला अगर हम बना दें जितना भी, यानी बड़ा वाला हम बना दें ये हमारा हो गया तारा, और जितना भी सूर्य है यानी कि सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है, क्या बाबू तारा है, यानी कि सूर्य हमारा क्या होता है, तारा है, सूर्य तारा है, और सभी सूर्य यानी सभी सूर्य तो हमारा एक ही है,
यानी कि जितना भी सूर्य है वो क्या होता है, हमारा तारा कहलाता है। कि कुछ सूर्य तारे हैं, नहीं नहीं नहीं, सूर्य जितना भी बड़ा है वो सभी हमारे तारे हैं, और ग्रह बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा? ग्रह बिल्कुल ही अलग होगा। क्लियर लगा सकते हैं? आगे चला जाए। मजदूर पुरुष डॉक्टर, दूसरा क्वेश्चन होगा, लगाइएगा मजदूर, मजदूर पुरुष, मजदूर पुरुष, मजदूर पुरुष ट्रक दिया है, मजदूर पुरुष और ट्रक, इसका वेन डायग्राम बनाना है। हाँ बिल्कुल ही, बहुत ही आसान है। हम देखेंगे मजदूर पुरुष ट्रक का जो वेन डायग्राम होगा हमारा क्या बनने वाला है, बिल्कुल यही बनने वाला है कि भाई जितने भी पुरुष होते हैं उसमें से कुछ क्या होते हैं, मजदूर होते हैं। अगर हम पुरुष की बात करें, जितने भी पुरुष हैं पुरुषों में से सभी पुरुषों में से कुछ क्या होते हैं, हमारे मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं। लेकिन ट्रक का हमारा ना मजदूर से कुछ संबंध है ना पुरुष से कुछ संबंध है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। कुछ ट्रक मजदूर हो गए ना ही, कुछ ट्रक हमारे क्या है भाई, पुरुष है। ट्रक बिल्कुल ही अलग है, बन जाएगा सभी लोगों का। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सबसे अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि गहना, गहना चांदी सोना, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, सभी लोग बनाने की कोशिश करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गहना चांदी सोना, गहना चांदी सोना का वेन डायग्राम क्या होगा, जरूर जल्दी करेंगे बनाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिए आप लोग, स्वयं से बनाइए। गहना चांदी सोना बन गया होगा, हाँ बिल्कुल ही, यानी कि हम देखेंगे जो हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है ये बनने वाला है, बिल्कुल बीच में हमारा हो जाएगा गहना, क्या हो जाएगा, गहना, और एक तरफ आप लिखेंगे सोना, किसी भी तरफ लिख सकते हैं सोना, और एक तरफ लिखेंगे हमारा चांदी, क्या लिखेंगे, चांदी। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, जितनी भी चांदी होती है चांदियों में से कुछ चांदी क्या होती है, गहने होते हैं, है कि नहीं है। अब जितना भी गहना होता है गहनों में कुछ चांदी के गहने होते हैं, क्लियर है। अब जितना भी सोना है सोने में से कुछ गहना होता है, बिल्कुल सही है, सोने का बिस्किट भी बनता है, जितना भी सोना होता है सोने में से कुछ गहना है, हो गया। और सभी गहनों में कुछ गहने हमारे सोने के होते हैं, इसका मतलब ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है हमारा सोना चांदी गहना का, बन जाएगा सभी लोगों का। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिया है शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय का वेन डायग्राम बनाइए, शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करने की कोशिश करिएगा, शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय। बन गया होगा, हाँ बिल्कुल सही है हम लोगों का, यानी कि बड़ा वाला जो गोला होगा हमारा लिख देंगे विद्यालय, क्या लिखेंगे, विद्यालय, क्या लिखेंगे बाबू, विद्यालय, बड़े वाले गोले में हो जाएगा हमारा विद्यालय, और विद्यालय के अंदर हमारा शिक्षक भी आता है और विद्यार्थी भी आते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिक्षक और यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी। अब ऐसा मत कर लेना कि सभी विद्यार्थी विद्यालय हैं, अब वैसा संबंध नहीं दर्शाना है कि भाई विद्यार्थी विद्यालय नहीं हो सकता,
क्योंकि विद्यालय निर्जीव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ऐसा सेंस लगाना है कि यहाँ पर देखना है जो बड़ा वाला गोला यानी कि बड़ा वाला जो सर्किल है वो आपको विद्यालय दर्शा रहा है, और विद्यालय के अंतर्गत हमारा शिक्षक भी आते हैं और विद्यार्थी भी आते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल ही सही है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया है। महिलाएं वकील, महिलाएं वकील और बेटे, महिलाएं वकील और बेटे का वेन डायग्राम बने, महिलाएं वकील और बेटे का वेन डायग्राम क्या होगा? बन गया होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें भी बना था वही था, यानी कि महिलाएं वकील और क्या बेटे। क्लियर है? महिलाएं वकील और बेटे। अगर मैं बात करूं वकील को, मैं बीच में लिख दूं वकील, देखो वकील लिख दिया, एक तरफ मैंने लिख दिया महिलाएं और एक तरफ लिख दिया मैंने बेटे। अब देखते हैं कैसे ये सेटअप खाता है। जितना भी वकील होते हैं, वकीलों में कुछ हमारी महिलाएं होती हैं, होती है कि नहीं? बिल्कुल। अब जितनी भी महिलाएं होती हैं उसमें से कुछ वकील होते हैं। क्लियर बात? अब जितने भी बेटे होते हैं उसमें से कुछ वकील होते हैं, जितने भी वकील होते हैं उसमें से कुछ बेटे होते हैं, है कि नहीं? बैठ गया एकदम क्लियर? ऐसे ही बैठाना है, स्वयं से करना है। आगे हम चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है भाई, भाई चिकित्सक गण, भाई चिकित्सक गण पुरुष, बनाने की कोशिश करिए। भाई चिकित्सक गण पुरुष, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। भाई चिकित्सक गण पुरुष का क्या होगा संबंध? बन जाएगा? खुद से बनाइएगा कॉपी पेन पे। हाँ बिल्कुल ही, यहाँ पर देखेंगे भाई, आप 100% देखेंगे जो बड़ा वाला हमारा होगा पुरुष होगा, क्या बनेगा? पुरुष। अब क्यों पुरुष होगा? क्योंकि जितने भी भाई होते हैं सभी भाई क्या होते हैं? हमारे पुरुष होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, सभी भाई हमारे क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। जिसमें कह रहा चिकित्सक गण, कुछ भाई भी हमारे चिकित्सक होते हैं और पुरुषों में से कुछ पुरुष भी हमारे चिकित्सक गण होते हैं। क्लियर है? क्योंकि कुछ हमारे क्या होती हैं? महिलाएं चिकित्सक होती हैं, इसलिए हमारा जो पुरुष वाला है कुछ में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा चिकित्सक, है कि नहीं सुटेबल? एक बार फिर से बता देते हैं, सभी भाई हमारे पुरुष के अंतर्गत आएंगे, भाइयों में कुछ हमारे चिकित्सक होते हैं और पुरुषों में कुछ हमारे क्या होते हैं भाई? चिकित्सक होते हैं। बन गया? आगे हम चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखेंगे क्वेश्चन है, चाचा रिश्तेदार धनी, चाचा रिश्तेदार, चाचा रिश्तेदार धनी का वेन डायग्राम क्या होगा? चाचा रिश्तेदार धनी, बन जाएगा? जल्दी से बनाने की कोशिश करिएगा, चाचा रिश्तेदार धनी। हाँ बिल्कुल, बीच में हम लिखेंगे चाचा, और सभी चाचा हमारे क्या होते हैं? रिलेशन वाले होते हैं भाई, रिश्तेदार होते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अब चाचाओं में से कुछ हमारे चाचा धनी होते हैं, कुछ चाचा गरीब भी होते हैं,
और कुछ रिश्तेदार धनी भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार गरीब भी होते हैं, इसलिए धनी वाला संस किस में जाएगा? कुछ में जाएगा, बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ही आसान है, सभी लोग बना लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कई लोग गलत बनाते हैं इसको, दिया है पुस्तकालय, रैक पुस्तकें, इसका बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनेगा? पुस्तकालय, रैक और पुस्तकें, क्या होगा वेन डायग्राम? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, यही डायग्राम बनने वाला है, जो कि कुछ लोग सोच रहे हैं उनका गलत है, नहीं ऐसे ही होगा। यानी कि भाई बीच में हमारी होंगी पुस्तकें, क्या होंगी? पुस्तकें होंगी। क्यों? अब बीच में पुस्तकें होंगी, आप देख रहे हो, हमको ये सेंस लगाना है कि सभी पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें हैं वो कहाँ रहती हैं? रैक में होती हैं। किसके अंदर? पुस्तकालय के अंदर। कहाँ पे? पुस्तकालय के अंदर, यानी कि पुस्तकालय के अंदर सभी पुस्तकें कहाँ होती हैं? रैक में होती हैं। बन जाएगा, यानी कि पुस्तकालय में, पुस्तकालय जिन्हें देखे, सभी पुस्तकें रैक में होती हैं और सभी रैक कहाँ होते हैं? पुस्तकालय के अंदर होते हैं। हो जाएगा, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बेस्ट है, करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट होगा और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, कई बार पूछा गया है, मानव समाज युवा क्लब, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और हो सकता है अब की बार यही क्वेश्चन टपक पड़े, देखेंगे। दिया है मानव समाज, मानव समाज युवा क्लब दिया है, युवा क्लब। दूसरा दिया आप लोगों का युवा, और तीसरा है आपका राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। इसमें वेन डायग्राम बनाइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मानव समाज युवा क्लब, युवा राजनीतिक दल, बन जाएगा। हाँ आसान तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है, जिन्होंने समझा इस क्वेश्चन का आंसर वो तुरंत दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वही ऑप्शन बनना है, सोना गहना चांदी वाला, यानी कि यही वाला ऑप्शन बनना है। अब यहाँ पे ये मैं इंपॉर्टेंट रखता हूँ, बीच में रखेंगे क्या, यहाँ पे होगा हमारा युवा। क्यों हम इसको यही डायग्राम हम सुटेबल हम रखेंगे? क्योंकि देखेंगे भाई युवा जो होगा वो युवा समाज क्लब में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं? युवा समाज क्लब, यानी कि जो हमारा युवा समाज क्लब हम करते हैं, युवा समाज क्लब, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल जो हमारे राजनीतिक दल हैं भाई, वो हमारे कुछ युवा होते हैं, क्लियर है? यानी कि हम देख रहे हैं युवाओं में, सभी युवाओं में से कुछ युवा सामाजिक क्लब के हुए होते हैं, और सभी युवाओं में कुछ राजनीतिक दल होते हैं, और सभी राजनीतिक दलों में कुछ युवाओं होते हैं, कुछ युवा होते हैं, कुछ वृद्ध भी होते हैं, कुछ प्रौढ़ भी होते हैं। इस हिसाब से हमारा जो जो ऑप्शन वेस्ट बैठने वाला है, ये वाला ऑप्शन वेरी वेरी बेस्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे। कह रहा है विद्यार्थी खिलाड़ी लड़के, विद्यार्थी खिलाड़ी लड़के, इसका वेन डायग्राम बनाइए।
क्या होगा, जल्दी करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और होगा आप लोगों का, विद्यार्थी खिलाड़ी और लड़के, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी खिलाड़ी और लड़के, बन गया होगा। अब चलेंगे, कह रहा है कि विद्यार्थी क्रिकेट, विद्यार्थी खिलाड़ी लड़के, इसका जो बेस्ट डायग्राम बनेगा वो ये वाला जो बनेगा, यानी अंशव्यापी, सभी में जो हमारा अंशव्यापी होगा, इसको मैंने बता रखा है, यानी कि यहाँ पे है हमारा विद्यार्थी एक लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे खिलाड़ी, और इधर हम लिख देते हैं क्या, लड़के। अब देखते हैं कैसे, भाई लड़कों में से जितने भी लड़के हैं, लड़कों में से कुछ विद्यार्थी होते हैं, सभी लड़के विद्यार्थी होते हैं क्या, नहीं नहीं सभी, ज़रूरी नहीं सभी लड़के विद्यार्थी हों, सभी लड़के विद्यार्थी नहीं होते हैं। अब यहाँ लड़कों में से कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, सभी विद्यार्थियों में कुछ लड़के होते हैं, हाँ बिल्कुल लड़कियाँ भी होती हैं इसलिए कुछ ही लड़के होते हैं, और सभी विद्यार्थियों में कुछ खिलाड़ी होते हैं, हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थियों में कुछ खिलाड़ी ही होते हैं, सेट, यानी ये भी सेट, ये भी सेट। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में से कुछ विद्यार्थी होते हैं, हाँ बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ, जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें से कुछ विद्यार्थी होते हैं, और जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें से कुछ लड़के ही होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जितने भी खिलाड़ी उसमें से कुछ लड़के, क्योंकि लड़कियाँ भी खिलाड़ी होती हैं। इस हिसाब से ये भी हमारा बैठ गया, और हमारा आंसर इज द राइट आंसर ये होता है। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करने की कोशिश करिएगा। दे रहा है मित्र क्वेश्चन है, मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक, दार्शनिक, हाँ बिल्कुल, यानी मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, इसका वेन डायग्राम क्या बनने वाला है आप लोग लगाइएगा, यानी कि मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, लगाने की कोशिश करिएगा आप लोग, हाँ बिल्कुल वही डायग्राम बनने वाला है हमारा, मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मित्र और यहाँ पे लिख देते हैं मार्गदर्शक और यहाँ पे लिख देते हैं हम दार्शनिक, क्या लिख देते हैं, दार्शनिक। अब देखेंगे सेट करते हैं, सेट होता है, जितने भी मित्र होते हैं, जितने भी मित्र होते हैं भाई सभी मित्रों में कुछ मार्गदर्शक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ मार्गदर्शक होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, और सभी मित्रों में से कुछ हमारे दार्शनिक भी होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, सभी मित्रों में से कुछ हमारे दार्शनिक भी होते हैं। अब ऐसा मत समझ लेना कि हमारा तो कोई मित्र दार्शनिक नहीं है, नहीं नहीं तो तुम्हारा मित्र नहीं दार्शनिक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मित्र दार्शनिक होते हैं, और ये होता है नहीं, मित्रों में से कुछ क्या है, दार्शनिक है, क्लियर बात है, एनिक आस्तिक, क्लियर बात है। आगे हम चल रहे हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, पहला तो क्लियर हो गया, जितने भी दार्शनिक हैं उसमें से कुछ मित्र होते हैं, होते कि नहीं होते, हाँ बिल्कुल जितने भी दार्शनिक हैं उसमें, उनमें कुछ हमारे मित्र होते हैं, और जितने भी दार्शनिक हैं उसमें हमारे कुछ मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि बिल्कुल सही है कि नहीं, हाँ क्लियर। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे तीसरा देखते हैं, मार्गदर्शक। अब मार्गदर्शक में हम देखेंगे जितने भी मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शकों में कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे दार्शनिक होते हैं, होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सूटेबल बैठ रहा है, और दोनों तीनों हमारे ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, इस प्रकार हमारा जो ये वाला ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है। अब तक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, दोबारा समझने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आप लोगों से लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।